नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर उत्तराखंड से है, जहां सोमवार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पहले स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का विधिवत संचालन प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेशवासियों का पहाड़ में रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इनके बनने पर राज्य में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बड़े पैमाने पर आजीविका के संसाधन विकसित होंगे। वो दिन दूर नहीं जब पर्यटक और श्रद्धालु रेल से आएंगे और उत्तराखंड के स्थानीय लोग भी अपने उत्पाद शहरों और बाजारों तक रेल से पहुंचा सकेंगे। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना का पहले स्टेशन न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। परियोजना का 2024 से 25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद यहां से सोमवार से विधिवत रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 10:30 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस यहां पहुंची, जिसका तीर्थ नगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान भी योगनगरी ऋषिकेश से रेलगाड़ियाँ चलेंगी। ऐसे में इस स्टेशन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।